खबर के पिछों के मुताबिक ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी हैं, जिन्हों असी अभी कब्जे से लैके प्रॉपरली डिस्पोजल करने की कार्रवाई करा। कूड़े च सुटियां म्याद टप्पी दवाइयां दे मिले ढेर, पुलिस ते सेहत महकमे दे अफसर मौके ते पहुंचे, जांच शुरू। अबोर दी वाटर वर्क्स दी डिग्गियां दे नेड़े कूड़े दे ढेर उपर सुटियां दवाइयां दे ढेर मिलन तो बाद पुलिस अते महकमा सेहत हरकत च आया है। वड्डी गिनती विच सुटियां इन्हां दवाइयां नाल भरियां शीशियां ली फोर्ड कंपनी दी ली बायोटेक सिरप दीआं हन। हजारां दी गिणती विच सुटियां इन्हां सिरप दीआं शीशियां दी म्याद करीब डेढ़ महीने पहलां खत्म हो चुकी है। इन्हां शीशियां ते बनाए जाण दी मिति सितंबर 2019 है। इसकी खबर मिलने से सेहत महकमे की टीम भी पहुंची, जिस विच अबोहर सरकारी अस्पताल के SMO डॉक्टर गगनदीप सिंह, डॉक्टर पुलकित ठठे ने इन्हां सिरप दीआं शीशियां जांच कीतीआं। तां डॉक्टर पुलकित ठठे ने दस्सिआ कि यह दवाइया कोई नारकोटिक्स मैडिसिन नहीं, यह नॉर्मल मल्टीविटामिन दवाई है जो एक्सपायर है। इन्हां दवाइया महकमे वालों अपने कब्जे च लिया गया है और कार्रवाई तो बाद इस तरीके नष्ट किया जाएगा। एक दवाइयाँ मिली हैं जी, एक्सपायरी है जो किसका मकसद दी है जी? सर जी दवाई इतने मिली है ये कोई नारकोटिक मेडिसिन नहीं है, ये नॉर्मल मल्टीविटामिन से लू इमोशन की मेडिसिन है, जिसे कि इतने सू पड़िया मिली हैं। दो पिछले पिछले के मुताबिक ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी हैं, जिन्होंने असं अभी कब्जे से लैके प्रॉपरली डिस्पोजल करने की कार्रवाई करा। बेशक सेहत महकमे के अधिकारी इन्हों दवाइया के ढेर अपने कब्जे लैके नष्ट करने की गल कर रहे हैं, पर सवाल कई अहम हैं कि आखिर एक केड़े मेडिकल स्टोर दिया हैं करीब डेढ़ महीने पहला एक्सपायर दवाइया जिसकी गिनती हज़ारों में है, इंज खुले च क्यों सुटिया गया? कि हुण तक एक्सपायर दवाइया की विक्री की जा रही थी, कि महकमे वालों मेडिकल स्टोर संचालक खिलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, सने होर सवाल भी हैं जिसका जवाब महकमा सेहत अधिकारियों हुण देना पवेगा।